एवरीवन, वेलकम टू द इन्फोस्टर हाउस। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। आज है फ्राइडे, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट टू बी 11:30 और अभी सारा काम डन है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब डन है। अभी लंच की प्रिपरेशन करके रेडी करूँगी क्योंकि आज बहुत सारे काम है, एज यूजुअल डेली होते हैं मुझे। ठीक है, तो चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा मैंने बिल्कुल लाइट कलर का ग्लॉस लगाया है, जो कि मैं हमेशा थोड़ी डार्क कलर की लगाती हूँ लिपस्टिक। और अभी ये बंद जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उनको अभी टाइप करनी है। और पसीने बिल्कुल भी नहीं रुक रहे, इतनी स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा है। कितना एसी चलाएंगे, कितना? पूरे दिन एसी में नहीं बैठ सकते, थोड़े दिन नॉर्मल भी बैठना पड़ेगा। जो बाहर की हवा है ना, वो भी ज़रूरी होती है थोड़ी सी। तो कुछ प्रिपरेशन मैंने कल शाम को कर ली थी, कुछ चीज़ें लेकर आई थी, कल मार्केट गए थे। और मार्केट में मैंने शूट नहीं करा, एक्चुअली ना गर्मी इतनी लग रही थी कि एक तो मार्केट से लग रहा था बस दो चार चीज़ें जो लेनी है लो और चलो तुरंत। तनिष भी बहुत परेशान हो गया था, ये भी साथ में गया था। और अब मैंने इसको मॉर्निंग में जल्दी उठाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने आज इसको अराउंड 7:10 7-7:10 तक मैं उठा देती हूँ इसको, क्योंकि मंडे से जाना है स्कूल। आज है फ्राइडे, सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं, अब इसे स्कूल जाना है। और स्कूल जाना है ना आपको, हाँ, तो इसलिए सुबह अब जल्दी उठा के इसको नहला के रेडी कर देती हूँ बिल्कुल, कि बेटा अब सुबह जल्दी उठने की आदत। क्योंकि पता क्या है, मैंने रेडी कर लिया, मैं रेडी हो गया, मैं रेडी हो गया। अरे सेंटेंस बोलने नहीं आएंगे कभी। तो क्योंकि अब मैं ना जल्दी एकदम से, अगर मैं करूँगी ना इसको एकदम से, जैसे डायरेक्ट मैं मंडे को ही सुबह जल्दी उठाऊँ और एकदम से नहलाना शुरू कर दूँ सुबह सुबह, तो इसको डेफिनेटली कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका रूटीन चेंज हो जाएगा। ये उठता है 10 बजे, कभी 9:30, कभी 10, कभी 9 बजे, अब मैं उठाऊँगी इसको 7 बजे, और 7:30 या 7:45 तक मुझे उठा के 8 बजे तक तो मतलब ड्रेस पहन के बेटा बैठ जाओ, क्योंकि उसके बाद सीधा ब्रेकफास्ट करो और चलो, ये होता है। 8:30 घर से निकलना होगा, 9:45 का इसका स्कूल है। और जो इसके स्कूल का रास्ता है तो बिल्कुल सीधा सीधा, लेकिन बीच में रोड ख़राब हो रही है और अगर बारिश हो गई तो वहाँ इतनी कीचड़ हो जाएगी, तो फिर पूरा घूम के जाना पड़ेगा, मतलब और 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, पैदल पैदल जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक है। कबूतर लग रहे हो तुम, अभी इसके बाल नहीं आए ना छोटे वाले, तो अजीब सा लगता है, अभी जब बाल आ जाएंगे तो सही होता है। तो चले मैं किचन में दिखा देती हूँ क्या स्टेटस है। मॉर्निंग में नाश्ता वाश्ता सब हो चुका है, हस्बैंड ऑफिस। कल मैंने ज़्यादा शूट सच में नहीं करा, मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी और अभी भी इतनी गर्मी लग रही है, अभी भी बाल एक तरफ कर रखे हैं मैंने सारे। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज बहुत ही स्पेशल वाली मैगी। और ये जो मैगी की रेसिपी है ना, ये मेरी सिस्टर इन लॉ स्पेशल मैगी है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाई थी ये मैगी। जब भी वो आई हुई थी ना, तो उनके हाथ से हर तीसरे दिन मैं यही वाली मैगी बनवा के खाती थी। अब वो तो है नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं ही बनाती हूँ आज। मैगी ली है, साथ में छोटी बारीक कटी हुई मिर्च है, प्याज है, टमाटर, मटर, साथ में हरा धनिया है, उसके साथ लिया है शिमला मिर्च, और अगर गाजर है तो छोटी छोटी गाजर भी आप काट के इसको में यूज़ कर सकते हैं। 2 पैकेट मैगी बना रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने सामान लिया है। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गर्म होने के लिए, तो कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। इसके बाद मैं इसमें कम से कम 2-3 चम्मच ऑयल ऐड करूँगी, रिफाइंड ऐड किया है मैंने इसके अंदर। तेल गर्म होने के बाद इसमें ऐड करना है जीरा। तो ये मैं आपको ना मसालेदानी दिखा रही हूँ, जो अब मैंने चेंज कर ली। मेरा प्लान नहीं था चेंज करने का, बट हस्बैंड ने बोला कि नहीं, जब सामान आया है तो उसको चेंज कर लो। तो ये है मसालेदानी, लेकिन इसमें सेक्शन कम है, उसमें 9 सेक्शन थे, इसमें 7 है, इसमें 2 कम है। अभी फटाफट से जीरा ऐड करते हैं पहले। और बहुत ही आसान है ये बनाना, लेकिन इतनी सुपर डिलीशियस बनती है। यूजुअली मैं तो वो 2 मिनट्स वाली मैगी बना लेती हूँ और उसके ऊपर जो आलू भुजिया होती है ना वो डाल के खाती हूँ, मुझे वैसे अच्छी लगती है, लेकिन जब ये बनाई ना तो ये ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। तो जैसे ही जीरा जो क्रैकल होने लगेगा, उसके बाद हमें हरी मिर्च और प्याज डाल देनी है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को आप कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पर। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करा है मैंने, हल्का ब्राउन करा है। उसके बाद इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले जैसे हल्दी, धनिया थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि मैगी मसाला भी डलेगा। लाल मिर्च पाउडर, साथ में नमक, नमक भी बहुत थोड़ा ध्यान से ही डालिएगा, क्योंकि मैगी मसाला जो है उसके हिसाब से भी चीज़ें हमें डालनी है इसमें।
जब मसाला थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें मटर और कैप्सिकम ऐड कर देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए मसाले के साथ। बस इस तरह से इसको फ्राई करना है और बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको ढक के रख देंगे ताकि मसाला भी अच्छे से पक जाए और जितनी भी सब्जियां हमने डाली हैं ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैगी में वरना बहुत कच्ची एकदम आएंगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा सा मटर भी सॉफ्ट हो जाएगी, कैप्सिकम भी सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसको कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल रेडी होने की हमारी सब्जियां, और उसके बाद अब डाली है मैगी को, तोड़ के डालिएगा मैगी को, एकदम साबुत मत डालना क्योंकि बहुत लंबे लंबे मैगी आती है ना फिर बच्चों से खाई नहीं जाती। तो मैगी यहाँ पे मैंने तोड़ के डाल दी है, उसके ऊपर डाल दिया है मैगी मसाला। जस्ट इसके ऊपर ऐड करना है पानी, और पानी उस हिसाब से जितना आप मैगी में डालते हैं उससे थोड़ा सा हमें ज्यादा डालना है क्योंकि सब्जियां भी हैं इसके अंदर, कढ़ाई में मैं इसीलिए बना रही हूँ। तो ये देखिए बस पानी डाल दिया है, अब इसको कवर करके रख देंगे और हर 3 से 4 मिनट में इसको एक बार चलाते रहेंगे ताकि मैगी जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। तो लीजिए हमारी मैगी ना ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी मैगी बनती है यार ये वाली। और जब से ये वाली मैगी मैंने खाई है ना अब मेरा नॉर्मल वो 2 मिनट्स वाली मैगी बनाने का मन नहीं करता। तो चलिए सर्व कर लेते हैं, ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा मैगी की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।